खबरों में बात करते हैं नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी में अवैध भवन निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। नक्शा मंजूरी के लिए नपा ने लोगों को एक्ट 2001 के तहत निर्माण रोकने का नोटिस तो भेजा, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण आज फिर देखने को मिल रहा है। कोटपुतली सड़क मार्ग पर वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति अनअप्रूव्ड जगह धड़ल्ले से अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसे रोकने या उस पर कार्यवाही के लिए कोई तैयार नहीं। ज्यादातर लोगों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए नपा ने एक्ट 208A के तहत दोबारा नोटिस भी भेजे हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं की, जिसके चलते सरकार को कई लाखों का राजस्व का नुकसान का चूना लग रहा है। नियम के अनुसार ऐसे निर्माण पर सील लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि नांगल चौधरी नपा में 13 वार्ड है, जिनमें नपा के अनुसार विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। शहरवासियों को भी नपा के नियमों का पालन करना होता है। बिजली, पानी व अन्य शुल्क अदायगी के साथ स्वीकृत नक्शे के अनुसार मकान का निर्माण करना होता है, लेकिन कुछ दबंग लोग नक्शा बनवाने को तैयार नहीं। वे धड़ल्ले से कॉम्प्लेक्स व आवासीय मकान बनाने में जुटे हैं। शिकायत मिलने पर ही नपा अधिकारी करते हैं नोटिस की कार्रवाई। नपा की तरफ से नोटिस मिलने पर नक्शे की 13 फाइल स्वीकृत हुई हैं। अभी भी 4 दर्जन से अधिक अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं, जिनसे नपा को लगभग 70 लाख का राजस्व का नुकसान संभव है। मैं उनसे ना, जो मेरे ध्यान में अभी बात आई, मैं उनसे कहूँगा कि म्यूनिसिपल कमेटी की इनकम बढ़ाने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो करेंगे, और क्योंकि नई कमेटी बनी है तो धीरे धीरे इनकम के जो साधन हैं ये जनरेट होंगे, विकसित होंगे। तो मेरा ध्यान है इस पे, और मैं उनको कहूँगा कि किसी भी आदमी को अवैध निर्माण ना करना। छुट्टी होने की वजह से गश्त नहीं लगा पाई, आज मैं दौरा करके आया हूँ। उधर कोई तोड़ी है, पर कंस्ट्रक्शन अभी चालू नहीं हुई। नहीं, कस्टम से चालू है सर, मैं वीडियो बना के मैं खुद देख के आया हूँ, कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन सर आप सभी देख आए, मैं खुद देख के आया, मेरे पास फुटेज है, और उसको नोटिस आज दे दिया जाएगा सेक्टर साहब के आते ही, और फाइल जमा कराता है, अन्यथा आगामी कार्रवाई की जाएगी।